नमस्कार, मैं हूँ समोसा समोद की रसोई में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पनीर के कटलेट। तो देखिए कितने करारे बनते हैं और आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से करारे, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने पैन चढ़ा दिया गैस पर, गैस ऑन कर दिया। इसमें 2 चम्मच तेल के डाल दें, इसको गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ एक प्याज डाल रही हूँ। इसको हल्का से पहले भून लेंगे। डालूंगी शिमला मिर्च, गाजर, ये फ्रोजन कॉर्न है मेरे पास, इसको बॉईल कर लिया था थोड़ा मैंने। और इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, जिससे कि अपने आप जल्दी से भून जाए। भून लेते हैं एक बार। देखे अपने 80% कुक हो चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दूंगी, इसको ठंडा करते हैं एक बार। देखिए मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। ये होममेड पनीर है, इसका लिंक आपको दे दूंगी मैं के घर पे पनीर कैसे बनता है। और इसको ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। तो अपनी सब्जी जो अपन ने फ्राई की थी इसके अंदर डाल देंगे। और ये उबले हुए आलू हैं 3, इनको भी कद्दूकस कर लिया है, इनको भी डाल देंगे इनके साथ। मसाले डालेंगे, तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अपन ने पहले सब्जी में भी नमक डाला है, तो आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हो। थोड़ा चाट मसाला 1/2 चम्मच के करीब, थोड़ी चिली फ्लेक्स। अब इन सब चीज़ों को अपन हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब अपन इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो आप शेप अपने हिसाब से गोल या राउंड जैसे देना चाहो वैसे दे दो। मैं इनको थोड़ा सा ऐसे बना रही हूँ, राउंड शेप में, लंबे टाइप में। इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। ये देखिए सभी कटलेट्स बना के तैयार कर लिए मैंने। और इधर ये 3 से 4 चम्मच बेसन लिए है मैंने, और इसमें पानी और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी मिला के इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। ये अपने ब्रेड के जो किनारे होते हैं उनका ब्रेड क्रम्स बना लिए मैंने। इसको उठाएंगे और इसमें के अंदर बेसन के अंदर इसको डिप करके, और एक्स्ट्रा जितना भी बेसन है उसको झाड़ दें ब्रेड क्रम्स में, लपेट लेंगे इसको अच्छी तरह। और मेरे वीडियो पे दोस्तों आप न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, जिससे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका भी एक्स्ट्रा जो है वो झाड़ देते हैं। इसको अपन आराम से तेल में छोड़ दें, क्या कई बार छिट्टे उछल जाते हैं। और इसको मीडियम आंच कर देते हैं जिससे अच्छी तरह एक सिक जाए। बाकी भी इसी तरह डाल देती हूँ इसके अंदर। मैंने अभी 2 ही डालने हैं इसके अंदर, इसको पलट देते हैं। ऊपर से इस साइड से ब्राउन हो गया है, दोनों साइड से हो गया, इसको एक को ब्राउन होने देते हैं एक बार। तेल लिए इनके अंदर, अच्छे ड्राई लग रहे होंगे आपको भी। और बाकी भी मैं इसी तरह बना के अब तैयार कर लूँ। अपने पनीर के सभी कटलेट्स बन के तैयार हैं। देखिए मैंने एक प्लेट में रख दिए हैं, सभी को निकाल के आप सॉस के साथ या धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो इसको।